दोस्तों पिछले कुछ दिनों से धर्मांतरण को लेकर हमने बाबाओं और धार्मिक गुरुओं के बयानों के ऊपर संदेश बनाते आ रहे हैं। इन वीडियोस के द्वारा हम किसी को खेत पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि सभी भाई बहनों को उद्धार का सुसमाचार बांटना चाहते हैं जो उद्धार हमें मिला है। हम आप लोगों को सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, जिसे आप भी सच्चाई जानकर उद्धार पा सकें और पाप की दास्ताओं से मुक्त हो सके, क्योंकि वचन हमें कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन आज लोग सच्चाई को जानने की बजाय इंसानों के द्वारा बनाई हुई धर्म में ही रहना चाहते हैं और उसी के अनुसार चलना चाहते हैं। हर कोई अपने अपने धर्म को बाकियों से ऊंचा और बड़ा बनाने की कोशिश करता है। कोई कहता है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, तो कोई कहता है हमारा धर्म सबसे पुराना है। अब इसी प्रकार के सवालों पर आप देवकीनंदन जी की बातों को सुन लीजिए कि वह धर्म को लेकर लोगों को क्या बता रहे हैं। हिंदू धर्म सबकी जड़ है। डालियों से और पत्तों से जुड़े रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जड़ से जुड़े रहोगे तो तुम्हारा कभी विनाश होने वाला नहीं है। तो पूरे विश्व को यह मैसेज जाए, अगर जुड़ना ही है तो जड़ से जुड़ो। और सनातन सबकी जड़ है जी, बिल्कुल। बाकी के सब डाल हैं, पत्ते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे चले जाते हैं, कुछ समय बाद ये सब के सब विलुप्त हो जाएंगे, सनातन फिर भी रहेगा। तो यहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं कि हिंदू धर्म सबकी जड़ है और बाकी सारे डाल और पत्ते हैं जो टाइम पर आते हैं और जाते हैं और एक दिन विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन सनातन हमेशा रहेगा। दोस्तों जब हम बाइबल के यूहन्ना 15 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए धर्म में जुड़ने से धर्म हमें मोक्ष या स्वर्ग नहीं ले जा सकता। स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने के लिए हर मनुष्य का उद्धार होना जरूरी है, जो कि केवल यीशु मसीह ही हमें दे सकते हैं। दोस्तों उन लोगों का विनाश अवश्य होगा जो अपने पापों से मन ना फिराएंगे और यीशु मसीह पर विश्वास न करेंगे। मेरे प्यारे सभी भाई बहन, यदि हम यीशु मसीह में बने नहीं रहेंगे तो निश्चय ही हमें अनंत नर्क की आग में झोंक दिया जाएगा। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ तुम अपना धर्म छोड़कर सनातनी हो जाओ। मैं ये कहूँगा जो जहाँ कर रहे हो करो, लेकिन किसी को हट मत करो, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन मत कराओ। अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराते हो तो धर्म परिवर्तन कराने से न किसी का खुदा खुश होता है, न किसी का गॉड खुश होता है, और मेरा भगवान खुश होता है। देखिए हमने पहले ही अपने कई सारे वीडियोस में ये बता चुके हैं कि जो कोई यीशु मसीह में आता है उनका धर्म नहीं बदलता बल्कि उसका जीवन बदलता है और उन्हें पापों से छुटकारा मिलता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो ये सब नई हो गई। फिर आगे देखिए महाराज जी धर्म के बारे में लोगों को और क्या बता रहे हैं। सच ये है कि सनातन ही सबकी जड़ है, और जब सत्यता सबके सामने आ जाती है तो उस जड़ से मोहब्बत होती है, और जब जड़ से मोहब्बत होती है तो लौट के फिर घर ही आते हैं। उनके लिए दरवाजे खुले हैं, पर हमारे लिए वो विंडो हैं, वो दरवाजे नहीं है। जितने भी और समाज में धर्म है, जितने भी धर्म है, वो विंडो हैं, दरवाजे नहीं है। तो विंडो से एंट्री मत करो, दरवाजों से एंट्री करो, कल्याण होगा, भला होगा। तो यहाँ पर गुरु जी का कहना है कि हिंदू धर्म ही दरवाजा है और बाकी सारे धर्म खिड़कियाँ, इसलिए आप लोग दरवाजे से ही प्रवेश करो, तभी आपका मंगल होगा, आपका भला होगा। देखिए हम किसी भी धर्म में प्रवेश करके या उस धर्म के रीति रिवाजों का पालन करके उस महान शक्तिशाली और सच्चे परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकते जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। दोस्तों यूहन्ना 10 अध्याय के 7-9 वचन में यीशु मसीह हमें कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। फिर 10 वचन में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। दोस्तों हम सब भेड़ हैं और यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा जो हमारे लिए अपने प्राण को देता है। मैं सभी अविश्वासी भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बाइबल पढ़ें और सच्चाई को जानने की कोशिश करें, क्योंकि इस संसार में केवल यीशु मसीह ही एकमात्र स्वर्ग का द्वार है जो हमें परमेश्वर के राज्य में पहुँचाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी प्रकार परमेश्वर के वचन को जानने, सीखने और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।